Hello world. Teachers went on a strike for not giving salary to teachers at Saraswati Vidyaniketan Inter College, and students also supported the strike. ये न्यूज सरस्वती विद्यानिकेतन इंटर कॉलेज की है, जहां पर टीचरों को वेतन ना दिए जाने पर किया टीचरों ने इसका विरोध और बैठे हड़ताल पर। वहां पर पहुंचे गोला जनप्रांत की अदालत की टीम से हुई टीचरों से वार्तालाप, तो आइए सुनते हैं कि इस पर टीचर्स की क्या राय है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम रामाश्री त्रिवेदी है। अच्छा आचार्य जी, हम ये जानना चाहते हैं आप त्रिपाठी से कब से जुड़े हुए हैं, श्री महेंद्र त्रिपाठी जो इस विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, जब उन्होंने स्थापना करी थी और जब आप, मैंने सुना है कि जो पूर्व में आप उस विद्या मंदिर के आचार्य के रूप में आपने काम किया है, जरा थोड़ा सा अपना दर्द बांटने का इस चैनल के माध्यम से प्रयास करें। मैं 1990 में गोला में आया था और तब से मैं लगातार इनके साथ रहा। पूर्व विद्यालय ने कहा भी कि हमारे साथ बने रहिए, आपको न्याय मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, परंतु इनकी जो सहानुभूति पूर्व बातों से हम सब 14-15 लोग इनके साथ आए। इन्होंने कहा 15 टीचर्स जो भी साथ में हैं, 15 टुकड़े होंगे, बराबर बराबर हम लोग लेंगे। इसके बाद इस विद्यालय जो खेत था, ट्रस्ट की जमीन थी, उस पर हम लोगों ने मेहनत की, एक एक कमरा सब लोगों को सहयोग से, गोला वासियों के सहयोग से विद्यालय बना और हम लोगों ने भी प्रयास किया 2-4 साल जो भी है कम वेतन लेकर, और विद्यालय स्टैंड हुआ। उसके बाद धीरे धीरे उम्मीद थी कि अच्छा वेतन मिलेगा, जैसा इन्होंने कहा था कि सरकारी शिक्षकों से ज़्यादा ही वेतन मिलेगा, परंतु धीरे धीरे इन्होंने जो स्वार्थपरक अपनी धन लिप्सा की नीतियाँ थी वो चलानी शुरू कर दी और हम लोगों को कम से कम वेतन पर गुजारा करने के लिए मजबूर कर दिया गया। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हुए फिर बीच में कोई न कोई पॉइंट लेकर और 3-3 साल इंक्रीमेंट न देकर और लगभग मात्र 30% या 40% वेतन पर खर्च किया गया हम लोगों के, बाकी सब इन लोगों ने, और जो रही बची कसर थी वो शिशु निकेतन को तोड़कर आई श्रीमती मधु त्रिपाठी जी ने और ऊपर विद्यालय संस्थापित किया, पूरा ऊपर का विंग उनका अपना बन गया। हम लोगों के खून पसीने से जो बिल्डिंग बनाई गई थी और उस बिल्डिंग में उनका एक छत शासन हुआ। उसके बाद पूरा वेतन, पूरा जो फीस थी ऊपर के विंग की, वो सब उनके पास रही और रहती हर महीने, और यहाँ से नीचे से भी टीचर वहाँ पढ़ाने जाते हैं, सब पढ़ाते करते हैं, लेकिन उस जो फीस का आय का कोई आय व्यय ब्यौरा नहीं होता है। ये सब परेशानी हुई, लेकिन इसके बाद जो भी हम लोगों को मिलता रहा हम लोगों ने उसी में संतुष्ट होकर भावनात्मक रूप से कि ये हमारे साथ आए हैं इसने से हम लोग लगे रहे। मगर अप्रैल से कोरोना काल जब से प्रारंभ हुआ तब से 5,000-2,000 करके वेतन दिया गया और दिसंबर तक फिर सब विद्यार्थियों का लगभग 80-90% जो भी वेतन, जो फीस आई उसमें आधा जो हम लोगों का वेतन, हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा है, नए टीचरों का मात्र 5,000 रुपये उनको मिलता रहा अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, और उसके बाद से फिर कुछ नहीं मिल रहा। आगे फरवरी में ये भी कहा जा रहा है कि 1-2 महीने का आधा आधा वेतन देंगे और बाकी अप्रैल में सत्र चला तो बाकी जो है बाकी आगे देखा जाएगा क्या होगा, ये कोई निश्चितता नहीं है। कई बार उन्होंने आश्वासन दिए लेकिन वो ज़्यादातर झूठे थे, तो हम लोगों ने जो त्याग और बलिदान किया भावनात्मक रूप से इस संस्था के लिए, आज बहुत कष्ट हो रहा है। इस संस्था के खिलाफ धरना प्रदर्शन जैसा यहाँ पर
सभी लोग ये कहते थे कि आपकी ऐतिहासिक टीम है जिन्होंने सदैव आपकी मदद की और सदैव विद्यालय का और इनका नाम रोशन किया। बहुत हृदय में दर्द है, अफसोस है कि आज इस धरने पर हम बैठे हैं और मात्र 2 वर्ष हमारे रिटायरमेंट के शेष। तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि बहुत ही दुखद भाव से हमारे आचार्य जी जो रामाश्रय जी त्रिवेदी जी हैं उन्होंने अपने विचार आपके मध्य में साझा करे और बड़े गौरतलब तथ्य हमारे मध्य में आए हैं। जिस प्रकार के से हमारे सम्मानित इस नगर के सम्मानित जिनको शायद नगर पालिका ने भी नगर सम्मान सम्मानित किया है श्री महेंद्र त्रिपाठी जी, जिन्होंने अपने पूर्व के द्वारा किए गए वादे जो आप भाइयों से करे थे, आप आचार्य बंधु से करे थे, वो नहीं निभाए और जो वादे थे उसी के तहत जब इन्होंने विद्या मंदिर से यहाँ विद्यानिकेतन की नींव डाली थी उस समय एक ट्रस्ट की जमीन थी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, वो ट्रस्ट की जमीन क्या वाकई में क्या आप ट्रस्ट की है या उसको भी हथियाने का काम आपने किया है, आपको क्या लगता है? ट्रस्ट की 2 एकड़ की जमीन थी और डॉक्टर साहब मिश्रा जी की ये जमीन है, उसको किराए पर सुना है लिए हुए हैं और उस पर जो भी 99 साल का पट्टा उसमें जो ये 5 साल पहले रिटायर हो चुके हैं, 4-5 साल पहले, लेकिन फिर भी एक्सटेंशन लेकर और ज़्यादातर घर के रिलेटेड सदस्य इनकी कमेटी में है और आगे कागजी रूप में क्या हुआ है ट्रस्ट की जमीन ये निश्चित है, परंतु किस प्रकार के कानूनी दाव पेच हैं ये हम नहीं इनके विषय में जानते। तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि आचार्य जी ने जैसा सबको बताया और हमको भी बताया, हमारे चैनल को बताया कि ये ट्रस्ट की जमीन है और ट्रस्ट की जमीन के तहत अपने घर के अपने परिवारजनों को ही उस ट्रस्ट में सदस्यगण के रूप में रखा गया है और ये एक प्रकार से अधिग्रहण करने का एक अपना एक तरीका है, उनकी मंशा इससे हिसाब से लगती है। और जैसा कि आप सबने देखा कि चूंकि जब महेंद्र त्रिपाठी जी ने इस विद्यालय की नींव डाली थी तो इनके साथ जो भी इनके आचार्य बंधु उनके साथ वहां पर आए थे, इनके उस बुरे वक्त में साथ देने के लिए आए थे, उन सबसे आपने एक जुबान दी थी और शायद व्यक्ति अगर अपनी जुबान का नहीं होता तो मेरे हिसाब से वो कुछ भी नहीं हो सकता। और जुबान के तहत उन्होंने कहा था कि इस विद्यालय के द्वारा जो भी आगे अर्जन किया जाएगा अर्थात आर्थिक अर्जन किया जाएगा या अर्थ अर्जन किया जाएगा उस अर्जन का हर एक व्यक्ति बराबर बराबर का हिस्सेदार होगा, लेकिन उस जुबान के लिए भी वो नहीं जाने गए और जिसका दर्द आचार्य जी की आंखों में साफ झलकता है। और मैं एक और बात आपसे जानना चाहता हूं आचार्य जी, मुझे भी हाल ही में अभी कुछ हमारे आचार्य बंधुओं से आपके पता लगा है कि कुछ टीचर्स निकाले गए हैं, उस संबंध में आप क्या कहेंगे? ऊपर कम से कम 60-65 जो लेडी टीचर्स थे उनमें आधे लेडी टीचर्स को लगभग निकाल दिया गया है और नीचे हमारे साथ 17 वर्षों से जो काम कर रहे थे राजेश दीक्षित जी, उनको भी बिना किसी कारण के और इस जो एक छलावपूर्ण रूप से अपने भाई को निकाला और 1 महीने बाद उसको वापस रख लिया, लेकिन राजेश दीक्षित को आज भी नहीं निकाला, जो कुछ था उनका देकर और उनको विदा कर दिया। तो जैसा कि आप सभी दर्शक देख सकते हैं जिस प्रकार से हमारे इस कॉलेज के जो प्रधानाचार्य हैं त्रिपाठी जी, उन्होंने जिस प्रकार से कई शिक्षकों को भी निकाल दिया और मैं प्रदेश सरकार से एक प्रश्न करना चाहता हूं, यह प्रश्न मेरा माननीय योगी आदित्यनाथ जी से है, महान जी से है कि जिस प्रकार से आपने झूठे और खोखले वादे किए थे और अपनी सरकार की नीति के तहत आपने बताया था और केंद्र सरकार ने भी एक ढिंढोरा पीटा था कि किसी भी शिक्षक को उसकी रोजी रोटी से वंचित नहीं किया जाएगा, और मैं जानना चाहता हूं जिनकी रगों में शिक्षक के द्वारा शिक्षक का जो एक खून दौड़ रहा है, उन संस्कारों का वो खून और रक्त दौड़ रहा है या रक्त का प्रवाह हो रहा है, मैं उन सब भाइयों बंधुओं से उन तमाम ऐसे ब्यूरोक्रेट से भी यह प्रश्न करना चाहता हूं, यदि उन तक मेरी यह बात पहुंचती है या उनके कानों तक मेरी बात पहुंचती है कि यह कहां तक यक्ष है, कहां तक ये सत्य है और कहां तक ये सही है कि इस प्रकार से शिक्षक को उसकी आय से वंचित किया जाए और एक प्रकार से तानाशाही का रवैया अख्तियार किया जाए। तो मैं इसी क्रम में चाहूंगा हमारे मत में एक और हमारे शिक्षक बंधु बैठे हुए हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं, हमारे भाई बैठे हुए हैं, मैं पहले तो आप अपना परिचय दें। मैं नितिन भट्ट यहां पर अध्यापक हूं। नितिन जी, जैसा कि अभी मैं जैसे ही आ रहा था तो बीच में त्रिपाठी से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने जैसा मुझे अवगत कराया और वो कह रहे हैं षड्यंत्र है जिस प्रकार से यहाँ पर तमाम आचार्य बंधुओं को आपने गुमराह करके बैठाने का काम किया अंसल भाई, और इसकी नेतृत्व आप कर रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा, क्या ये कहाँ तक सही है आप बताएं, इसमें बारे में अपनी राय दें। भाई यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं सभी अध्यापक हैं और अध्यापकों को कोई गुमराह तो नहीं कर सकता है, गुमराह को 1-2 को कर सकते हैं जी, पूरा विद्यालय बैठा हुआ यहाँ पर है तो हम कैसे किसी को गुमराह कर सकते हैं, और हमसे सीनियर लोग बैठे हुए हैं, हमसे उम्र में काफी बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, पुराना अनुभव भी रखते हैं वो जी, तो ये सारे आरोप गलत हैं। अच्छा नितिन जी, एक जानकारी आपसे और चाहते हैं कि इस विद्यालय में, चूंकि मुझे जैसा कि अभी विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है दर्शकों, इस विद्यालय में 3500 से ऊपर स्ट्रेंथ है, ऐसा कुछ है या नहीं? हाँ लगभग संख्या ऐसी ही है।
तो जब 3500 से ऊपर स्ट्रेंथ है तो मेरा इसी लाइव के माध्यम से इस जिले के DIS महोदय से यह प्रश्न है कि आप तो चूंकि इस जिले के DIS हैं, शिक्षा के आप कह सकते हैं अध्यक्ष हैं, पूरे इस जिले के अध्यक्ष हैं, शिक्षा के सिरमौर हैं, आप इस पूरे जिले के आप आका हैं, मेरा आपसे प्रश्न है DIS महोदय, क्या कभी आप औचक निरीक्षण नहीं करते? क्या आपको औचक निरीक्षण नहीं करना चाहिए? चूंकि जिस प्रकार से योगी बाबा या योगी आदित्यनाथ बाबा या महंत योगी नाथ अपना ढिंढोरा पीटते आए हैं कि हम सभी लोग औचक निरीक्षण करते हैं, उसी के तहत मैं प्रश्न करना चाहता हूं, या यक्ष प्रश्न इस जिले के DIS महोदय से, क्या कभी आपने इस विद्यालय के अंदर औचक निरीक्षण किया? और अगर नहीं किया है तो अवश्य कर ले। मैं क्यों कहना चाहता हूं, मेरी मंशा क्या है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जैसा मुझे ज्ञात हो विश्वास सूत्रों से नितिन भट्ट जी, इस विद्यालय के अंदर जितने भी कक्षाएं चल रही हैं उसमें एक कक्षा के कितने सेक्शंस हैं? किसी में 6 हैं, किसी में 7 हैं, किसी में 5 हैं, अलग अलग हैं सेक्शन। तो देखिए दर्शकों, जैसा कि मुझे नहीं लगता कि सरकार किसी पैरामीटर या मानक में इस प्रकार का कोई भी प्रावधान है कि कोई भी विद्यालय एक कक्षा के 6 और 7 सेक्शन चलाए या 6 और 7 वर्ग चलाए, और इस विद्यालय के अंदर एक कक्षा के 6 और 7 वर्ग चल रहे हैं। और मैं आपसे पुनः जानना चाहता हूं, मुझे स्पष्ट बताइएगा, क्योंकि आप लोग आचार्य हैं, आप स्पष्ट बताइएगा कि एक कक्षा में कितने छात्र पढ़ते हैं उस सेक्शन के अंदर? इस समय तो थोड़ा संख्या कोरोना की वजह से कम हुई इस बार, वैसे विगत वर्षों से कितने छात्र पढ़ते हैं? 80, 90, 60, 65 बच्चे तक रहते हैं। देखिए बड़ी बहुत अलग बात है DIS महोदय, यदि आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है और अगर लोग उन तक मेरी आवाज पहुंचा दे तमाम लोग, तो मैं आपको जनवाना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से और अपने इस चैनल के माध्यम से कि कक्षा के अंदर शिक्षकों की संख्या मानक के हिसाब से क्या यह उचित है? 80-90 जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसा कि आचार्य जी ने हमको बताया, एक कक्षा के अंदर, और एक कक्षा के करीब 7 उपवर्ग हैं, आप समझ सकते हैं क्या यह उचित है, यह भी प्रश्न है। और चूंकि जब संख्या की मैं बात इसलिए नहीं कर रहा हूं, मुझे इसके बारे में जानने का पड़ताल करने का कोई उचित नहीं, लेकिन औचित्य बनता है मेरे प्यारे दर्शकों, और औचित्य इसलिए बनता है क्योंकि और चूंकि इन बेचारे इन शिक्षकों का, इन तमाम शिक्षकों का जो वेतन रोकने का प्रयास किया गया है, क्या वो आय के अधीन नहीं आता? जो कॉलेज की आय हो रही है, इस विद्यालय की आय हो रही है, क्या शिक्षक देना उसके अधीन नहीं आता? यह मेरा प्रत्यक्ष प्रश्न है। और भी हमारे यहाँ पर शिक्षक साथीगण बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगा इसी क्रम में उनका थोड़ा सा वर्जन लेना। आप में से कौन बताना चाहेंगे? आप? हाँ, नीलम जी, चलिए। अच्छा, आप पहले अपना परिचय दें। मैं नीलम गुप्ता। नीलम गुप्ता जी, आप कितने साल से इस विद्यालय में कार्यरत हैं? 2001 से। अच्छा, 2001 से कार्यरत है। मैं जानना चाहता हूं कि आपके साथ जिस प्रकार से जो ये किया जा रहा है विद्यालय शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, यहाँ के प्रधानाचार्य के द्वारा, इस संबंध में आपने पहले आवाज क्यों उठाई, अब आप लोगों ने इस संबंध में आवाज उठाने का निर्णय क्यों लिया? ये इतना दबा के रखा था यहाँ पर हम लोगों को धमकियों से, वैसे भी जब से गिरी जी का साथ मिला जी, माननीय अरविंद गिरी जी का जी, तब से थोड़ा नॉर्मल हुए हमारे, कई वेतन काटे, वो इंक्रीमेंट काटे गए, लगभग 1900 रुपये 3 बार में काटे गए हैं जी, वो हर वर्ष हर महीने उतना कम हमको मिल पा रहा है जी। इधर कोरोना काल में जब वेतन नहीं मिला जी, कर्मचारी वर्ग और हम लोग सब त्राही त्राही करने लगे, तो हम लोग यहाँ से मिल करके माननीय गिरी जी से मिले, तो गिरी जी के माध्यम से दिसंबर तक जी, 5-5 हजार रुपये के हिसाब से दिया गया। 5-5 हजार रुपये दिया गया? हाँ, गिरी जी के दबाव पर दिया गया। अच्छा जी। हाँ, और ये जो विधायक जी ने दिलवाने का कार्य किया माननीय अरविंद गिरी जी ने जी, और विधायक जी ने, आज भी हमारी बातचीत हुई थी, अपने आपको अवगत कराया था जी, तो कि ये स्थिति आज उत्पन्न हुई है इसलिए, क्योंकि इन्होंने तो इधर बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि सारी फीस हम लोगों ने वसूलवा दी है, लगभग 95% फीस आ चुकी है। अब ये कह रहे हैं कि जो फीस आएगी उसमें से हम थोड़ा थोड़ा करके देंगे, ये टरका रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने मीटिंग जब की थी, मीटिंग में इन्होंने कहा था, गिरी जी के दबाव में आकर के कह दिया था, मैं पूरा ही वेतन दूंगा, उस बात से पलट गए। अच्छा, उस बात से पलट गए जी। तो ये बड़ी गौरतलब बात है दर्शकों, और सभी को मैं बताना चाहता हूँ इस बात को, अवगत कराना चाहता हूँ, जिस प्रकार से नीलम जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमारे मध्य में साझा करी है कि 95% विद्यार्थियों का जो फीस है वो वसूली जा चुकी है इस विद्यालय के द्वारा, और उसके उपरांत भी यहाँ के शिक्षक बेचारे प्यासे और भूखे आंदोलन करने के लिए विवश हो रहे हैं। या ये यक्ष प्रश्न मैं करता हूँ इस विद्यालय के व्यवस्था से और यहाँ के प्रबंधक से, मैं जाना चाहता हूँ, और त्रिपाठी जी जो प्रधानाचार्य इस विद्यालय के, ये कहाँ तक उचित है? हाँ, और बताइए। ये कहना चाहते हैं कि इधर जो भी शुल्क आ रही है वो पहली बात तो लगभग समाप्ति की ओर है, थोड़े बहुत बच्चे हैं, बैंक नहीं भेजा गया, डायरेक्ट पैसा आता है
अब वो अपने मर्जी के हिसाब से कहीं कोई संपत्ति खरीदी, कहीं कोई संपत्ति खरीदी, संपत्तियां ही बनाते चले जा रहे हैं अपनी। अच्छा, संपत्तियां बनाते चले जा रहे हैं, संपत्तियां बनाते। आप कितना पुख्ता जानकारी हमारे चैनल को दे सकते हैं? पुख्ता जानकारी ये है कि उनका काम एक तो कंस्ट्रक्शन का चलता रहता है, हम लोगों ने उठाया भी था कि इस समय कोरोना काल में कंस्ट्रक्शन जरूरी नहीं है, तो उन्होंने कहा था कि इस समय जरूरी है, तो हमने यही कहा कि सबसे पहले हम लोगों को पेट देखना चाहिए, हम लोगों का वेतन ही कितना है जी, पेट देखना चाहिए। लेकिन उन्होंने उस बात पर ध्यान नहीं दिया, गिरी जी के दबाव के कारण थोड़ा बहुत वो दिया, लेकिन सीधा जो कुछ पैसा आता है सीधा झोले में पैक होकर के सीधा घर में चला जाता है, चाहे जो कुछ वो करें स्वेच्छानुसार अपनी जो भी वो करें वो मनमानी कर रहे हैं। अच्छा, हम और एक प्रश्न करना चाहते हैं नीलम जी और आप सभी साथी, आपके जो हैं आपके शिक्षक गण, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, कि धरना आप किन मांगों को लेकर के है, ये मैं जरा अवगत कराएं पूरी तरीके से अभी अंत में, और ये कब तक चलेगा और धरना की जो अवधि है वो कब तक रहेगी? ये अनिश्चितकालीन धरना है। एक तो ये है, एक विद्यालय में दो प्रधानाचार्य हैं जी, एक प्रधानाचार्य रिटायर हो चुका है। नाम बताना चाहेंगे आप? महेंद्र कुमार त्रिपाठी। अच्छा, रिटायर हो चुके हैं काफी पहले, अच्छा 5 साल हो गए हैं रिटायर हुए, और वो अपना आधिपत्य बनाए हुए हैं यहाँ पर। अच्छा, दूसरा प्रधानाचार्य कौन है? दूसरा मधु त्रिपाठी। अच्छा, वो सारी व्यवस्था देखती हैं जी, और यहाँ इसके अलावा जो भी ऊपर की जो विंग है जी, वो अलग करना चाहती हैं जी, और जबकि विद्यालय एक है जी, और इसके अलावा जो भी यहाँ लैब्स बनी हुई हैं वो उसका किराया भी लेते हैं जी, अलग से जी, बसों का किराया उनकी जेब में जाता है जी। खैर, इससे हम लोगों को मतलब नहीं था जी, जी। आप खूब करें, इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमको अपना हक जो मिलना चाहिए उससे न मारें, हमारा हक मारा जा रहा है, इसलिए मैं इसको वेतन के अनुचित समझता हूँ। तो जैसा कि हमारे सभी व्यूअर्स ने देखा और हमारे मध्य में जितने भी आचार्य गण बैठे हुए हैं और ये विद्या कुमारी स्मारक निकेतन के सारे आचार्य गण हैं और इन्होंने अपना दुखड़ा रोया है हमारे सामने, और कहीं तक देखा जाए इनकी बात भी उचित है मित्रों, जितने भी हमारे व्यूअर्स हम पर नजर बना रहे हैं, और मैं स्पष्ट रूप से इस बात को कहना चाहता हूं कि जितने भी व्यूअर्स मुझ पर नजर बना रहे हैं, अगर आपके दिल तक आवाज पहुंचती है, कोई भी अभिभावक यह नहीं चाहेगा कि उनके पाल और पाल्या को जिस प्रकार की शिक्षा देने का कार्य, जिस प्रकार की एक हेल्दी एजुकेशन जिसको बोलते हैं स्वस्थ शिक्षा देने का कार्य एक शिक्षक करता है, अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर वो करता है, क्या और कहां तक यह उचित है कि आज वो शिक्षक धरना देने पर विवश है? जिस शिक्षक का कार्य होता है आपके बच्चों के अंदर नैतिक मूल्यों का, उन नैतिक मूल्यों का आपके बच्चों के अंदर शिक्षा के द्वारा नैतिक मूल्यों को सिखाना और पढ़ाना और उनको जनवाना, आज वही शिक्षक अपने उन मूल्यों के लिए, अपने उन आर्थिक मूल्यों के लिए, अपने अर्थ के लिए यहां पर इस अनर्थ संस्था में अपने जीवन को व्यर्थ कर रहा है। मैं यही जानना चाहता हूं आप सभी व्यूअर्स से कि क्या आप खामोश बैठेंगे इस प्रकार की अव्यवस्था को देखते हुए? मैं यही जानना चाहूंगा यक्ष प्रश्न के तहत उन तमाम जिले के ब्यूरोक्रेट से, उन उच्च अधिकारियों से, तो एक तौर पर जितने भी ऐसे शिक्षाविद हैं, मैं उनको भी सम्मिलित करना चाहूंगा, वे भी हमारे चैनल, क्या यह उचित है? मैं जानना चाहता हूं आप सबसे, क्या यह उचित है कि वह शिक्षक, जो शिक्षक, क्या सहता जाएगा, क्या वह शिक्षक अपनी नैतिकता के तहत क्या बर्दाश्त करता जाएगा? क्या शिक्षक को अपना हनन कराना चाहिए? क्या शिक्षक को अपने नैतिक मूल्यों का हनन कराना चाहिए? मैं आप सबसे प्रश्न करता हूं, क्या शिक्षक जो आज पीड़ित और प्रताड़ित किया जा रहा है इस प्रकार से तानाशाही रवैये के तहत, क्या शिक्षक को खामोश बैठ जाना चाहिए, हाथ पर हाथ रख के बैठ जाना चाहिए? आज आपको मैं एक बात अवश्य बताना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से, जैसा कि मैं विगत कई माह से देख रहा हूं और जिस प्रकार से प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार ने ताने का और जुताने का कार्य किया था, प्रदेश की योगी सरकार ने और केंद्र की मोदी सरकार ने यहां बताने को जताने का प्रयास किया था झूठा डिडोरा पीट करके कि हम किसी शिक्षक के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, किसी की नौकरी नहीं जाएगी, लेकिन उसके उपरांत भी जैसा मुझको और जैसा कि मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, जैसा कि हमको अवगत कराया गया है उन तमाम उन शिक्षकों के द्वारा कि जिस प्रकार से उनका आर्थिक दोहन होता चला आ रहा है और उसी के तहत आज वो इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि वो एक प्रकार से रोटी रोटी को मोहताज हो गए हैं, क्या उनके परिवार नहीं, क्या उनके बाल बच्चे नहीं, क्या उनका भविष्य नहीं? मैं इन सब
यक्ष प्रश्नों के साथ आप सबसे यह प्रश्न करना चाहता हूं कि जो शिक्षक राष्ट्र का निर्माता कहा जाता है, आज उस राष्ट्र के निर्माता के ऊपर जिस प्रकार से एक खतरा मंडरा रहा है, उसके बच्चों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, उसके भविष्य के ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है, क्या उसके तहत हमारी यहाँ खुद की एक जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम उनके सहयोग के लिए आगे बढ़े? तो मैं जितने भी हमारे व्यूअर्स हम पर अपनी नजर बना रहे हैं, मैं उनसे चाहूंगा वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसको शेयर करें और लाइक करें और इसको कमेंट करें। तो मैं चाहता हूं तमाम शिक्षकों से, अगर आप में से और भी शिक्षक अपनी बात अगर रखना चाहता है इस संबंध में तो रख सकता है, आप में से कोई और रखना चाहता है? अच्छा जाइए। जैसा कि अच्छा, तो पहले आप अपना नाम बताएं सर। मेरा नाम अनिल मिश्रा है, मैं कानपुर से आया हूं यहां पर शिक्षक हूं। सर आप ही मुझे बताएं, आप इस विद्यालय में कितने सालों से कार्यरत हैं? मैं यहां 2001 से कार्यरत हूं और इसके पहले मैं विद्या मंदिर में शिक्षक का के रूप में मैं आया था और फिर वहां से जब विद्यालय का विभाजन हुआ तो आँख पर पट्टी बांध करके इनके साथ वहाँ से हम यहाँ आ गए और तब से आज तक हम लोग यहाँ इनके शोषण का शिकार हो रहे हैं। अच्छा, जब तक आपसे शोषण होता है तो आप शोषण करवाते क्यों? ये मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, आपने अपनी आवाज़ क्यों उठाई अब तक? वास्तविकता तो ये है कि ऐसा लगता है चलो ठीक है, शोषण करवा करके भी लगता है हमारा परिवार जो रोजी रोटी से जो है वो उसको मिलती रहेगी, रोजी रोटी वंचित ना हो जाए। हाँ, वंचित ना हो जाए, तो इस कारण हम लोगों को ऐसा होता रहा, चलो अल्प वेतन ही सही जो मिल रहा है, लेकिन वादा इन्होंने किया था कि हम जो है पूरा हम तब मैंने एक 16वां हिस्सा लेंगे, पहले हम अपने टीचरों का उनको देंगे, इसके बाद फिर अपना हिस्सा हम देंगे। लेकिन अब क्या हो गया, अब जो भी आय होती है उसका एक लाइन शेयर जो होता है वो पहले हम ले लेते हैं, इसके बाद फिर टीचर को जो है 10-5% में जो आय होती है उसमें से ये आय वेतन रूप में विभाजित कर देते हैं एक लाइन की शेयर। तो इस तरीके से लगातार हम लोग शोषण कराते चले आ रहे हैं, यहाँ तक कि मैं अपनी बात बताऊँ तो मेरा वेतन 2014 से ये 1600 रुपये काट रहे हैं, अब तक आज भी वही जारी है। हम में से तमाम साथी ऐसे हैं जिनका वेतन इन्होंने काटा, एक हमारे तो ऐसे अध्यापक हैं जिनको जो पढ़ाते थे वो पढ़ाने के बाद उनको बेचारों क्लर्क बना दिया, तो बताइए क्या। तो वही है कि हर आदमी जो है जिसने भी आवाज़ उठाई इनके शोषण के खिलाफ़ उसके इंक्रीमेंट काटे, उसको परेशान किया या काले से बाहर निकाल दिया, 7 दिन बैठे मुझसे, खुद मुझको बैठाया 7 दिन आप बाहर बैठिए, इसके बाद 7 दिन बाद आप आइए। अब आप बताइए, मैं बैठा रहा 7 दिन के बाद मैं फिर से कॉलेज में आया पढ़ाने के लिए और इसके बाद मेरा वेतन काट दिया। तो इस तरीके से जो है ये शोषण अमृत समय से हमारा ही नहीं बल्कि हमारे पूरे शिक्षक समाज का जो यहाँ अध्यापक का कार्य कर रहे हैं सबके साथ ही लगभग हो रहा है, वेतन सबको कट रहा है, मतलब पूरा जितना वेतन एज इट इज़ मिलना चाहिए गवर्नमेंट के मानक के अनुकूल या जितनी विद्यालय की आय हो रही है उस आय का जितना हिस्सा देना चाहिए 70% 80% वो न दे करके 10% में सबको निपटा देते हैं, बाकी सब अपने जो है वो लग देते हैं और जिससे अपनी ये व्यक्तिगत प्रॉपर्टी अपनी जो है वो डेवलप करते चले जा रहे हैं, कहीं प्लाट है, मकान है और बाग है, बगीचे हैं, खेती है, इस तरीके से जो है अपना ये करते चले रहे। हम लोग तो कौड़ी के रहे लेकिन ये जो है अब तक इनकी संपत्ति का यदि ब्यौरा लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि अरबों की संपत्ति इन्होंने एकत्र कर रखी होगी और वो अभी भी इनके पास और बल्कि अभी भी इनकी धुन लगी हुई है कि हम अभी कितनी और संपत्ति इकट्ठा कर लें, तो उसी में जो है ये अपना करते रहते हैं लगातार, इनका यही प्रयास चलता रहता है कि किस तरीके से हम जो है टीचरों को भ्रमित करते रहें, उनको हम बहलाते रहें, फुसलाते रहें और अपना काम हम संपत्ति बटोरने का काम करते रहें, यही है, ये हमारा लगातार हम लोगों का शोषण हो रहा है। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे अपने इस चैनल के माध्यम से, कुछ संदेश देंगे? हम संदेश ये देना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से कि इनके खिलाफ जो इन्होंने गलत तरीके से अर्जन किया है उसकी जांच हो और जांच किस प्रकार की जांच हो, सीबीआई जांच हो, किस प्रकार सीबीआई जांच हो या जो मतलब सीबीआई जांच हो जिससे कि जो इन्होंने धनोपार्जन किया आय से अधिक संपत्ति के, हाँ आय से अधिक जो इन्होंने संपत्ति इकट्ठा की है वो उसकी जांच हो और इनको जो है उचित, हाँ उचित इनको जो है दंडित किया जाए। तो जैसा कि आपने देखा ये थे विद्या निकेतन के बहुत ही पुराने आचार्य जी और जिनका नाम श्री अनिल मिश्रा जी और जिन्होंने बताया है काफ़ी कुछ, इन्होंने खुलासे किए हैं और जिन खुलासों के तहत इन्होंने बताया कि महेंद्र त्रिपाठी जी जो इस विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं उनके पास आय से अधिक संपत्ति है और उसकी जाँच होनी चाहिए, उसकी सीबीआई जाँच की इन्होंने मांग करी है इस चैनल के माध्यम से। और एक बहुत बड़ी गौरतलब बात मित्रों सामने निकल कर आई है हमारे इस प्रकार की डिबेट में जो मैंने आचार्यों से यहाँ पर करी, उनके धरने प्रदर्शन को लेकर के उन्होंने हमको बताया है हमारे चैनल को कि जो इस विद्यालय के अंदर दो प्रधानाचार्य हैं, एक महेंद्र त्रिपाठी स्वयं हैं और एक उनकी
पत्नी श्रीमती मधु त्रिपाठी जी हैं, और चूंकि वो खुद अर्थात वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उसके उपरांत भी वे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, या यक्ष प्रश्न मैं डीआरएस महोदय से करना चाहता हूं, क्या यह संभव हो सकता है? आइए चलते हैं जरा महेंद्र त्रिपाठी के पास, आइए हम लोग जरा चलते हैं महेंद्र त्रिपाठी के पास और उनका भी कुछ पक्ष लेते हैं, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि मैं उनका पक्ष लूंगा और मैं उनके पक्ष के लिए मैं उनके पास चलता हूं, और मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या वाकई में वे रिटायर हो चुके हैं और उसके उपरांत भी क्या वे कार्य कर रहे हैं, और मैं देखता हूं क्या वो मुझसे मिलते हैं और मेरी बातों को, मेरे तीखे सवालों का वो सामना करते हैं। मित्रों ज़रूर उन्हें आपके तीखे सवालों का सामना करना पड़ेगा और जवाब भी देना पड़ेगा। तो आइए सुनते हैं कि सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल की इस पर क्या राय है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है जनप्रांत न्यूज़ की तरफ से, और मैं आपसे इतना जानना चाहता हूं कि अभी एक बहुत ही बड़ी समस्या आपके विद्यालय परिवार में आ गई है और तमाम शिक्षक आपके विद्यालय के अंदर ही जिस प्रकार से प्रांगण में धरने पर बैठ गए हैं, किस कारण से ये समस्या उत्पन्न हुई, इस संबंध में जरा थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए एक शिक्षक का उसमें चयन हो चुका है जी TGT में जी, और उसके कारण कुछ शिक्षकों को बरगला करके और नई समस्या क्रिएट की है जी। समस्या कुछ भी नहीं है जी, कोरोना काल में पूरे उत्तर प्रदेश भर में हमको लगता है कि अप्रैल से लेकर के और अभी तक आधा वेतन दिया जा रहा था जी, हमने भी आधा वेतन सभी को दिया है जी, और आज से ही हमने जो अप्रैल का जो आधा वेतन था उसको पूरा वेतन देना शुरू कर दिया है जी जी जी। तो हाँ जो शुरू किया है तो इनको इनका सबका कहना है कि हमको ये जो 9 महीने हो चुके हैं इनका पूरा वेतन दिया जाए जी, ये संभव नहीं है। जैसे जैसे शुल्क आता जाएगा, वित्त विहीन स्कूल है, जैसे शुल्क आ जाएगा अगला जो है इनको दिया जाएगा। और इनकी जो मांग है, धरना है, इनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पैसा जो है जो आता जाता है वो दिया ही जाता है। त्रिपाठी एक जानकारी मैं लेना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी है और बहुत अच्छे से आप एक प्रखर वक्ता भी और अपनी बात को अपने रखा है, और चूंकि आप विश्वविद्यालय के बनना चाह रहे हैं, जैसा कि अभी मुझे कुछ विश्वस्त सूत्रों से क्या यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे आचार्य के द्वारा अवगत कराया गया है, चूंकि आप रिटायर हो चुके हैं उसके उपरांत भी आप इस संस्था को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, क्या यह उचित है उनका ये या आपके पर आरोप? बिल्कुल उचित है, ये जो आरोप है निराधार है। वित्त विहीन विद्यालयों में जो प्रधानाचार्य है वो जब तक स्वस्थ रहता है, जो मैनेजमेंट आदेश देता है उसके अनुसार काम कर सकता है जी। इस प्रकार का रिटायरमेंट वित्त विहीन विद्यालयों में नहीं होता है। चलिए ये भी बहुत अच्छी दर्शकों में बात पता लगी, वित्त विहीन विद्यालयों में जो अगर विद्यालय का प्राचार्य होता है वो रिटायरमेंट होने तक अगर स्वस्थ रहता है, मैनेजमेंट अगर चाहता है तो वो काम करता रहता है। चलिए बहुत अच्छी बात त्रिपाठी ने बताई कि अगर वित्त विहीन विद्यालयों में प्राचार्य जो होता है अगर वो स्वस्थ है तो अपनी सेवा दे सकता है, लेकिन इसी क्रम में मैं जानना चाहता हूं जो आरोप आपके पर दूसरा लगा है वो ये लगा है कि इस विद्यालय की जो कमेटी वो भी आपके परिवार की ही है, और वो जी जी गलत बात है, कमेटी परिवार की नहीं है, जो नियमानुसार कमेटी होती है वो है। अच्छा, तो जैसा कि त्रिपाठी अपनी बात रख रहे हैं और वो बता रहे हैं वो कमेटी मेरे परिवार की नहीं, और आचार्य लोग जितने भी हैं चूंकि वो बता रहे हैं कि वो कमेटी उनके परिवार की है, और बहुत ही ज्यादा दावे भी कर रहे हैं और उसके प्रति सबूत भी देने का प्रयास वो कह रहे हैं कि हम सबूत भी देंगे हमको, लेकिन त्रिपाठी की बात भी अपनी जगह पर रखनी चाहिए और उनकी भी बात हमको सुनना है, क्योंकि हम एक चैनल है और चैनल के माध्यम से लोगों को अवगत कराना चाहते हैं जो समस्या पर पड़ी हुई है। तो त्रिपाठी एक जानकारी मैं आपसे और लेना चाहता हूँ, ये जो आचार्य लोग हैं इसमें काफी ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने हमसे ये भी बताया, हमको अवगत कराया कि जब वो वहां से विद्यालय जब आपने यहाँ पर नींव रखी थी इस विद्यालय की विद्या निकेतन की, तो तब से काफी पुराने आचार्य जैसे अनिल मिश्रा जी हैं आपके, एक गुरुदेव आचार्य जी हैं, एक आपके पाठक जी हैं, काफी आचार्यों ने हमारे चैनल को यह अवगत कराया कि जब आप वहां से यहाँ पर आए थे तो आपने उनसे कहा था कि मैं 16वां हिस्सा लूंगा, बाकी सारा का सारा मैं आपको दे दूं। ये विषय जो है ना तो कोई तय हुई बात है ना कोई संभव है, ये स्कूल है, स्कूल सिस्टम से चलता है जी जी जी, है ना, जो सिस्टम मैनेजमेंट बनाता है उसके हिसाब से स्कूल चलता है, और ये बातें एकदम से सब चीजें नहीं समझ में आएंगी, किसी की ना समझाई जा सकती है। अच्छा जी, है ना, जो अच्छा वेतन दिया जा रहा है, अच्छा परिणाम आ रहा है और पूरे जिले में और प्रतिष्ठा है, इसी प्रबंधन के कारण जो है बढ़िया रिजल्ट आता है, सभी शिक्षक मनोयोग से अभी तक पढ़ाते रहे हैं और आगे भी पढ़ाते रहे हैं, पढ़ाएंगे। हाँ, अभी कुछ शिक्षक नाराज हैं, उनकी नाराजगी का कुछ कारण हो सकता है, हम न जान पाए हों, देखेंगे, बात करेंगे और अपने स्तर से सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। प्रधानाचार्य, एक जानकारी और हमको मिली है इन्हीं शिक्षकों के माध्यम से कि इस विद्यालय के अंदर चूंकि जैसा कि नॉर्म्स और जो मानक होते हैं वो तय होते हैं और उनके तहत एक कक्षा की दो ही उप कक्षाएं चल सकती हैं और यहाँ पर साथ साथ उप कक्षाएं चल रही हैं, क्या ऐसा उचित है? ये आपको पूरी जानकारी नहीं है जी, विद्यालय को कई सेक्शन की मान्यता मिली हुई है। कितने सेक्शन है लगभग, कितनी मान्यता है? अब जितनी सेक्शन की मान्यता है, कोई भी विद्यालय में अवैधानिक सेक्शन नहीं है।
अच्छा जी, नहीं मतलब एक हम जानकारी आप जानकारी इतनी ही लीजिए जितनी मैं दे रहा हूँ। जी जी, कोई भी अवैधानिक शिक्षा नहीं है, कोई भी अवैधानिक कक्षा नहीं है, सब नियमानुसार ही काम होता है, नियमानुसार आगे भी काम किया जाएगा। नहीं, जिस प्रकार से हमारे चैनल को आचार्यों ने बताया है, जो पढ़ाते हैं उन्होंने कहा सर हम पढ़ाते तो हमारी बात ज्यादा पुख्ता होगी, उस संबंध में उन्होंने बताया कि एक कक्षा के साथ साथ उप सेक्शन चल रहे हैं, उप वर्ग चल रहे हैं, उस संबंध में त्रिपाठी का कहना है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं, लेकिन हमें जानना चाहते हैं अगर पुख्ता जानकारी है उनके पास और उचित है तो उसमें बताने में कोई भी गुरेज नहीं होना चाहिए। तो मैं त्रिपाठी की बात को खैर काटूंगा नहीं क्योंकि वो यहाँ के प्रधानाचार्य हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे पुनः एक बार जानना चाहूंगा कि क्या आप बता सकते हो तो आप हमारे चैनल को अवश्य बताएं जिससे कि किसी को ये बात स्पष्ट हो जाए कि आप सही हैं। ये बात सरासर गलत है, कोई भी अवैधानिक कक्षा नहीं है, कोई भी अवैधानिक सेक्शन नहीं है, जितने विद्यालय के सेक्शन मिले हुए हैं, जितनी मान्यताएं हैं, संख्या तो आप क्योंकि संख्या हम ऐसे कैसे बता पाएंगे, इतना बड़ा विद्यालय है। आप हमारी बात सुने जो मैं कह रहा हूँ। हमारे यहाँ पर कॉमर्स की मान्यता है, हमारे यहाँ विज्ञान की मान्यता है, हमारे यहाँ कंप्यूटर की मान्यता है, हमारे यहाँ कहना मानविकी वर्ग की मान्यता है, जितनी मान्यताएं हैं, और इंग्लिश मीडियम की अलग मान्यता है, जो भी मान्यताएं हैं उनके सेक्शन उसके हिसाब से चलते हैं। ये कोई चीज एक दो मिनट में नहीं समझाई जा सकती है और कोई भी अवैधानिक काम नहीं है। चलिए अच्छी बात है, जब आपको इस प्रकार से गिनतियों से पता है, बहुत अच्छी बात है कि हमारे इतने सब्जेक्ट्स की मान्यता है या इतने विषयों की मान्यता है, तो ये भी उचित हो सकता है कि आप हमें ये भी बता सकते हैं कि इस विषय में इतने सेक्शन चल रहे हैं, शायद मैं अवश्य जानना चाहता, लेकिन आपने खैर इस बात को गोलमोल कर दिया। लेकिन त्रिपाठी मैं आपसे अवश्य जानना चाहता हूं कि ये जो बैठे हुए आचार्यगण यहाँ पर आपके धरने प्रदर्शन पर, जिस प्रकार से इनको नजरबंद किया गया है, यहाँ पर ताले लगे हुए हैं बाहर जब मैं आया था, तो ये क्या उचित है? देखिए अब रात हो चुकी है और चौकीदार ने अपना काम किया है, जो भी टीचर आता जाता है, जो जाना चाहे जा सकता है, अब रात भर विद्यालय परिसर तो खुला नहीं जा सकता है, चौकीदार इसके लिए डिप्यूट है, अब वो अपना काम कर रहा है। जी, जब कोई जाएगा खोल दिया जाता है, आप भी तो अंदर आए हैं, खोला गया आपके लिए? मुझे तो खोला गया, मैं तो मीडिया पर, तो जो भी आ जाएगा वो तो खोला जाएगा। जी, जी। और रात में तो सुरक्षा के लिए तो परिसर बंद किया ही जाएगा। जी, जी, जी। हाँ, इसमें आरोप लगाने के लिए तो सवाल ही नहीं। चलिए हम जानना चाहते हैं कि आप इस चैनल के माध्यम से क्या व्यूअर्स को संदेश देना चाहते हैं, जिस प्रकार से आप पे आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू है, जिस प्रकार से वित्तीय अनियमितताओं का आपके ओर दौर चालू है, अभी कुछ आचार्यों ने आपके पर इस प्रकार से एलिगेशन लगाए हैं कि आपके ओर सीबीआई जांच होनी चाहिए क्योंकि आपके पास आय से अधिक संपत्ति है, संबंध में आप क्या कहेंगे? इस विषय में हमें कुछ नहीं कहना है, ये विषय सब इस प्रकार के निराधार हैं, और जब कोई शिक्षक भड़काने पर आता है तो इस प्रकार की चीजें कहता है, इनका कोई मतलब नहीं। तो कोई संदेश आप देना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से अपने व्यूअर्स को और तमाम दर्शकों को, जो ये जाने कि आप अपना पक्ष रख रहे हैं और कहां तक आप सही हैं? यह विद्यालय सदैव उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जाना जाता है जी, और अगले दिनों में भी उत्कृष्ट कार्य के लिए जाना जाएगा। अभी शिक्षक नाराज हैं, हो सकता है कि उनकी समझ में कोई चीज ऐसी आई हो जिसके कारण नाराज हैं, थोड़े दिनों बाद स्थिति सामान्य होगी, सब यही काम करेंगे, और जो एक दो टीचर इस प्रकार के हैं वो अपने स्वभाव से शांत होंगे। वो नहीं तो ऐसा तो नहीं है कहीं ये लोग आंदोलन करेंगे, भविष्य में इनको अपनी नौकरी से हाथ धोना धोना पड़े, इस विषय को मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं, जिस प्रकार से आरोप लगाया उन लोगों ने और उन्होंने कहा कि तमाम 35 शिक्षिकाओं को यहाँ से निकाल दिया गया बिना किसी नोटिस के, और क्योंकि प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार इस प्रकार की मंशा के तहत है, किसी को नौकरी से वंचित नहीं किया गया, किसी की रोजी रोटी नहीं छीनी जाएगी, उसके उपरांत भी इस प्रकार का जो एक हंटर चला है नौकरी से निकालने का, उस विषय में आप क्या कहेंगे? कोई हंटर नहीं चला है, नर्सरी से लेकर के आठवीं तक विद्यालय नहीं चल रहे हैं, और जैसे जैसे आवश्यकता होती है विद्यालय में प्राइवेट में रखा जाता है जी, वैसे ही फिर रखे जाएंगे जी, किसी को छुट्टी दी गई होगी तो फिर बुलाया जाएगा, अब आवश्यकता नहीं है, क्लास नहीं चल रहे हैं, हम क्या करें, पूरा संसार सारा जो है इस प्रकार का काम कर रहा है। चलिए त्रिपाठी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जनप्रांत न्यूज से जुड़ने के लिए, और ये थे हमारे इस विद्या निकेतन कुमारी महाविद्यालय के इंटर कॉलेज के हमारे प्रधानाचार्य श्री महेंद्र कुमार त्रिपाठी जी। और दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, मैं ग्राउंड जीरो से डॉक्टर पीयूष कुमार शुक्ला हमेशा आपको सच से अवगत कराता हूं, और यहां पर मैंने दोनों पक्षों को सुना है, और आप लोग अपनी राय अवश्य देंगे और ज्यादा से ज्यादा इस लाइव को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, और मैं जैसा कि जाना जाता हूं हमेशा आपके बीच में सच लाने के लिए और सत्य लाने के लिए, और मेरे बीच में जिस प्रकार से प्रकरण लाया गया, मैंने दोनों पक्षों को सुना और दोनों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया। तो मैं चाहूंगा यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसको ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस पर कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत। आइए देखते हैं कि अब इस पर स्टूडेंट्स की क्या राय है और उन्होंने कैसे समर्थन किया। Yeah.
टीचरों को मारेंगे। Hola.